क्या मतलब घर में कोई काम नहीं है तो ऐसे काम करो। एक पूरी गाड़ी की हालत तेज हवा चल रही है ना, पता नहीं मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं। गाइस देख रहे हैं अभी बरसात चालू हो गई यार, मतलब लॉकडाउन का आज तीसरा दिन और बरसात चालू। मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लेता हूँ, मैं जा रहा था नहाने के लिए तो यहाँ पे इतना तेज पानी, वाह, और बड़ी बड़ी बूंदे, छोटी मोटी भी नहीं, और बादल तो पूरे के पूरे देख रहे हैं कैसे हो गए। तो अभी हम नहा के रेडी हो गए तो जब आप लोगों ने देखा ना कितनी आंधी तूफान, मतलब बारिश ही बारिश, मतलब बिन मौसम बरसात, और अभी जाके बारिश कुछ बंद हो गई है, लेकिन ये रोड पूरी की पूरी खिचड़ी हो गई होगी। पानी इतना तेज गिरा ना, इतना तेज कि पूरा घर के अंदर कचरा जो है ना उड़ के आ गया, और बता क्या रहा हूँ मैं, एकदम मतलब आतंकी हाथिया। और सुबह सुबह गए हुए थे हम ड्यूटी में, ड्यूटी से आए उसके बाद नहा वहा के फ्रेश हुए हैं अभी, और अभी कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है, और अभी का टाइम भी कितना हो रहा है, अभी डेढ़ बज चुके हैं, डेढ़ बज मैं नहाया हूँ सोचो, और पूजा पाठ कर लिया। आज नवरात्रि का आठवां दिन है, यानी कि अष्टमी है, लेकिन पूरा मतलब ना दिन जो है पूरे बोरियत भरे जा रहे हैं, और समझ में भी नहीं आया कि पूरे नौ दिन की नवरात्रि कब ख़त्म होने वाली है, कल नवरात्रि ख़त्म हो जाएगी, मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा घर में रह के, यही चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। और आप लोगों ने अभी तक एक चीज़ नहीं बताई कि आप लोगों का लॉकडाउन का दौर कैसा कटा यार, कमेंट सेक्शन में आप लोग तो अपनी भी राय बताया करिए, ताकि हमको भी पता चले कि आप भी हमारी तरह ही अच्छे से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। और आप लोग वीडियो में आ गए तो एक बार आप लोगों से पूछ भी लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे और एकदम मस्ती रहना फुल पावर में। चलो मिलता हूँ मैं अभी, खाना वाना बनेगा तब। आज ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है यार, ढाई बज गए हैं अभी तक खाना नहीं बना है घर में। ये खाना बनाते बनाते मेरा ब्लॉग देख रही हैं, देख रहे हैं आप मेरा क्या, अपने ही ब्लॉग देख रही हैं मेरे, उसमें एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई कार्ड पे सजेस्ट कर रहा हूँ, जाके देखिएगा। और क्या बना रहे हो, करेला तुरई है क्या, अच्छा दोनों, चलो जल्दी बना दो यार, भूख लग रहा है, मतलब आज ना एकदम अपरंपार वाला भूख लग रहा है, लेट काफी ज्यादा हो गए ना आज, मौसम इतना बिगड़ गया था कि पूरा घर पे ना कचरा कचरा फैल गया था, तो पूरा ये बरामदा वरामदा धोए हैं। गाय माता जय माता। तो बस अभी खाना बनता है, उसका खाते हैं यार, बन जाए बस जल्दी, भूख काफ़ी तेज लग रही है यार। और मैंने ना बेटी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी स्नैक दाग के चैनल के लिए, लेकिन वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, जब तक आप लोग वो वीडियो देखिए तब तक हमारा जो खाना है ना वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। और उसको देखिएगा ही नहीं, उसको फॉलो भी करिएगा, ठीक है, लाइफ में, क्योंकि उसको फॉलो करेंगे तब आप सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग अगर घर में कोई कोविड पॉजिटिव हो भी जाता है ना, तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसको न्यूज़ से दूर रखिए, क्योंकि न्यूज़ दिखाएंगे तो उसमें क्या होता है, न्यूज़ में आदमी डर जाता है, ऐसा उनको गाइडलाइन दिया गया था कि जो भी घर में आइसोलेशन में रखे हुए हैं, जिनको भी घर में जो ज़्यादा क्रिटिकल केस नहीं है, घर में ही ठीक हो जाएंगे 14 दिन के क्वारंटाइन में, ऐसे 14 से अभी 17 दिन का क्वारंटाइन बना दिए हैं, 17 दिन तक घर में ही रहना है। तो बस इस बीच में न्यूज़ ना देखें, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। चलिए आप वो सेफ्टी गाइडलाइन सुन लीजिए और कैसी थी वो बताइएगा, उसके बाद मिलते हैं सीधा खाना बनने के बाद। तो दोस्तों कैसे दिन आ गए ना, कहाँ हम लोग बाहर घूमने के लिए इधर से उधर चले जाया करते थे, लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है कि आज हमको घर में ही कैद रहना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित हो गई है, कई जगहों पर तो लॉकडाउन हो ही गए, और जैसे कि आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में भी लॉकडाउन, दुर्ग में भी लॉकडाउन, और हमारे दंतेवाड़ा जिले में भी लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में शर्त ये होती है कि हम घर से बाहर ना निकले, लेकिन अभी लॉकडाउन के दौर में लोगों की जो जरूरत की चीज़ें हैं उसका भी शासन ने पूरा ध्यान रखा है कि कुछ समय सीमा निर्धारित की है कि आप उस समय सीमा पर जाके अपने सामान ले सकते हैं, लेकिन उस सामान को लेने जाने से पहले आपको भी अपनी सेफ्टी का ध्यान जरूर से जरूर रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप घर से निकल रहे हैं तो अपने मास्क का यूज़ करिए, मास्क के यूज़ करने के साथ साथ जिस शॉप पर आप जा रहे हैं उस शॉप पे 2 गज की दूरी मेंटेन करिए, और अगर आप वापस वहाँ से सामान लेकर आ रहे हैं तो उसके बाद घर में आने के बाद सबसे पहले तो हाथ धोइए। होता क्या है ना, बीमारी का ऐसा है कि
कौन सा सामान हम लेके आ रहे हैं, कौन उसको किस किस ने छुआ है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन ऐसा हाथ धोकर हम अगर घर में पैर और हाथ धोकर इंटर करते हैं तो इससे हम अपनी तो जान बचाते ही बचाते हैं और साथ में अपने परिवार की भी जान बचाते हैं। तो सब इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस कोविड के दौर पे आप घर में ही रहिए, जितना हो सके एकदम ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप घर से बाहर निकलिए, वरना मेरी तरफ से तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग निकलिए मत, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। तो फाइनली जाके अभी खाना है करेले की सब्जी और तोरई, चावल और घी और दाल, अभी जल्दी से खाएंगे, कोई कंट्रोल वंट्रोल। तो ये कुछ बनाए हैं, इसके अंदर पूरी की पूरी पैरी लाइट को भर दिया इन्होंने, और यहाँ पे जो पूरा सजावट किए थे उसको देखो ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे पूरा तोड़ तोड़ के, मतलब घर में कोई काम नहीं है तो ऐसे काम करो, पूरा को तोड़ दो तुम। हाँ, अपना समय पिछले बार भी ऐसे ही बीता था, इधर ही घूम घूम के आज पानी गिर गया तो पूरा का पूरा मौसम एकदम ठंडा गर्म हो गया और उमस ज़्यादा लग रही है, वेदर खूब जबरदस्त। और यहाँ पे ना जब पानी गिर जाता है ना तो यहाँ का मौसम कतई जहर वाला हो जाता है, पता है? देखो वाह सो नाइस, और वो रहे सूरज देवता जो कि अपना प्रकाश हमारे ऊपर दे रहे हैं। एक पूरी गाड़ी की हालत, छी छी छी, इसको भी निकालने से पहले एक बार धोना पड़ेगा, आधी तूफान चला है जिसकी वजह से ये हाल हो गया। चलो ऊपर घुमा के लाता हूँ, ऊपर घुमा के तुम जाओगे? हाँ तो क्या, जल्दी आओ। तो अभी आपको ऊपर का नजारा दिखाते हैं, ऊपर से यहाँ की जो खूबसूरती है ना उतरते ही। ओ शी मैं, वाओ व्हाट अ स्काई यार, दिल खुश। तो वो देखो वो रतला, और ये है कुछ ऊपर से ऐसा कुछ व्यू, ये देखो ऐसे टाइम पे ड्रोन उड़ाने में जो मज़ा है ना वो अलग ही लेवल का है। मस्त हवा चल रहा है ना? हाँ उड़ रही है ये भी, फीलिंग बताऊँ ना तो अल्टीमेट, टेरिस के ऊपर हवा का आनंद लेते हुए ऐसा लेटी इतनी तेज हवा चल रही है ना, पता नहीं मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं, लेकिन बहुत तेज हवा चल रही है यार, मतलब सोने पे सुहागा हो गया, ऊपर आए तो दिन बन गया है यार आज का। और आप लोगों के जगहों पर भी ये हवाएं ऐसे ही चल रही होगी आज, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है? उड़ जाएंगे उनको संभालता हूँ मैं। मधुर तो यहाँ पे फिर से अंधेरा हो गया और फिर से बरसात हुई है, अंधेरा तो हो गया है तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा, वापस घर के अंदर आऊँगा समझे, टीवी देखूँगा और इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा। और वैसे रात में खाने में क्या है, मेरे को पता है सुबह इसने करेला बना दिए थे वही है, तो अभी कुछ नहीं करते हैं, वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को इसका ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो करना कुछ नहीं है, पैसा लाइक पैसा कमेंट, और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, मिल देंगे कल वाली किसी बढ़िया वीडियो में।